नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक खंडेलवाल द सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स की तरफ से आज इस वीडियो एक स्पेशल वीडियो होली के उपलक्ष्य पे मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ हर्षोल्लास वाला इस ये त्यौहार मनाया जाए। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है आज का। आज हम कुछ शायरी लेंगे और उस शायरी को हम बिजनेस से कोशिश करेंगे रिलेट करने की। शायरी भले ही रोमांस रोमांटिक टाइप की हो, उसको हम बिजनेस से रिलेट करेंगे और देखते हैं हम कितने कामयाब होते हैं। तो आज इस उपलक्ष्य पे हमने बुलाया है एक वरिष्ठ सीनियर सिटीजन जो शायरी का शौक रखते हैं। आज उन्हीं की कुछ शायरी जो उन्होंने कहीं से ली है या अपनी बनाई है, उसको हम बिजनेस पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार मिस्टर राजेंद्र कुमार। और इनका शौक रहा है शायरी का शुरू से, बचपन से। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम पूछें, कैसे रहा आपको शायरी का शौक? मैं शुरू से ही कलकत्ते में बड़ा हुआ, वहीं पढ़ा हुआ हूँ, वहीं स्कूल में एजुकेशन लिया है, वहीं कॉलेज में एजुकेशन लिया है। तो वहाँ पे को एजुकेशन भी चलता था क्योंकि बंगाली ओरिएंटेड थे सारे स्कूल। अच्छा, तो कलकत्ता से इनका एजुकेशन है और बंगाली ड्यूटी नामी थी बंगाल की उसका। अच्छा, तो हम लोग जाते थे उस समय अपना नॉर्मल, जैसे पैदल गए, बस में गए, नॉर्मल लाइफ रहती थी। और लड़कियाँ भी आती थी जाती थी, रास्ते में दिखाई देती थी, मिलती थी, मुस्कुराती थी। हम भी वो दोस्तों, वो समय भी 1950s और 60s का जो समय था, जो आप समझिए एक रोमांटिक मूवीज का समय था। तो उस समय के आप जितने शख्स देखेंगे, आपके जो आपके फैमिली में जो वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हैं, आप देखेंगे वो एक रोमांस उनके आसपास इर्द गिर्द फैला रहता था। तो वहीं से मेरे ख्याल से आपको शायरी का शौक शुरू हुआ। आपकी कौन फेवरेट हीरोइन रही उस समय? फेवरेट हीरोइन थी मेरी आशा पारिक और मधुबाला। तो दोस्तों, मधुबाला तक तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं चाहूंगा इस वीडियो को इतना वायरल करें कि आशा पारिक जी तक पहुंचे, कि उनके ऐसे भी फैंस आज हैं और उनके लिए एकदम आंख बंद करके उनको फॉलो करते हैं। तो आप बताइए, आज हमारा जो टॉपिक है, हम चाहेंगे एक शायरी आपसे उठाएं और उसको हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। तो एक शायरी आप कुछ बोलना चाहेंगे आज? बताइए, एक शायरी शुरू करिए। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। दोस्तों, बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छा। इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहता हूँ। आपने कहा तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, मगर किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो दोस्तों, आज आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ध्यान रखिए कॉम्पिटिटर्स के साथ मत मिलिए। आप अपनी कंपनी में रह के भले ही कम काम करिए, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटर्स के साथ मत जुड़िए। कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर काम मत करें, वो हमको बुरा लगेगा। यही कहना चाह रहे हैं आज? और दोस्तों, इनसे एक रिलेटेड मैं कहूंगा, रुक जाना नहीं तुम कभी हार के, रुक जाना नहीं तुम कभी हार के, मंजिलें दूर है पर तुम्हें पाना उसको जरूर है। तो ये मोटिवेशन रखिए और आइए दूसरा शेर लाइए जी, उसको हम दूसरा शेर ऐसा था कि हमारे कॉलेज में शेरों कंपटीशन होते थे, शेरों शायरी के। तो एक दिन एक मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, तो किसी ने कहा कि इसकी ब्यूटी पे आप कुछ बोलो। तो मैंने कहा कि कौन कहता है कि तुम चांद जैसी हो, कौन कहता है कि तुम चांद जैसी हो, हकीकत तो ये है कि चांद तुम जैसा है। मतलब लोग चांद से कंपेयर करते हैं ब्यूटी को, उसे चांद को ही कंपेयर कर दिया उसकी ब्यूटी से। इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट अगर दूं, कौन कहता है कि तुम चांद जैसी हो? अच्छा, तो अपने प्रोडक्ट, अगर आप एक अपना एक प्रोडक्ट मिक्स अगर आप अपने सामने रखें, तो आपको अपना प्रोडक्ट, अपना आइटम इतना अच्छा लगेगा, आप कहेंगे कौन कहता है तुम चांद जैसी हो, तुम चांद जैसी हो, हकीकत तो यह है कि चांद तुम जैसा है। तो मैं इसमें सिर्फ एक काम कर रहा हूं, मैं अपने बिजनेस में आज अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सामने रख रहा हूं और उसको कंपेयर कर रहा हूं चांद के साथ, कि कौन कहता है कि तुम चांद जैसी हो, चांद तुम जैसा है, चांद तुम जैसा है। तो ये होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में विश्वास रखना। जब तक आप अपनी कंपनी में अपने प्रोडक्ट के बारे में विश्वास नहीं रखेंगे, आप उसको एक सफलता की सीढ़ी पे नहीं आगे ले जा सकते। इनके इससे मुझको एक चीज रिलेट होती है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही है जो डरा नहीं है। तो अगर आप डरेंगे नहीं, अपने लक्ष्य को सामने रखेंगे, अभी तक हमने क्या चांद को कंपेयर किया है प्रोडक्ट्स के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ, और पहला शेयर आपने बोला था जिसमें कि हमने कहा है कि आप जिस कंपनी में काम करें उसमें लॉयल्टी के साथ काम करें, कॉम्पिटिटर की तरफ ना देखें। तो राजेंद्र जी, एक और चीज बताइए,
1940s 50s का जो जमाना था उसमें 50s और 60s का जमाना था, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज आती थी, तो आपकी कौन सी फेवरेट मूवी रही है? मेरे महबूब राजेंद्र कुमार और साधना, राजेंद्र कुमार और साधना की मेरे महबूब, तो उसमें भी खूब शेर और शायरी थी कुछ थी, तो बताइए एक और शेर लाइए ऐसे इस मौके पे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे मेरा खोया हुआ नजारा दे दे, फिर मेरी आंखों में वो नूर दे दे। देखिए इसको भी बड़ा मुश्किल है बिजनेस के साथ कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तो आप कह रहे हैं मेरे महबूब मेरी मोहब्बत की कसम, तो इसमें क्या है, जब एमडी, जब डायरेक्टर ऑफ द कंपनी खड़ा हुआ है अपने बोर्ड, अपने एम्प्लॉयज को एड्रेस करने के लिए, तो क्या सब उनके उसके महबूब हैं, जो आज कंपनी में काम कर रहा है उसके, वो उस एमडी के महबूब है, तो कहते हैं मेरे महबूब मेरी मोहब्बत की कसम, मोहब्बत मतलब कंपनी की तरफ जो उनका झुकाव है, कंपनी की तरफ जो लॉयल्टी है उसकी कसम, फिर मेरा खोया हुआ नजारा दे दे। अब पेंडेमिक में जो 2 साल लॉस हुआ है, पेंडेमिक में जो आपका बिजनेस का लॉस हुआ है, जो आपका डाउनफॉल हुआ है, एक डायरेक्टर कंपनी खड़ा होकर के कह रहा है कि मुझे फिर मेरा खोया हुआ नजारा दे दे, मेरे को वापस मेरी सेल्स टर्नओवर दे दे, वापस मेरी प्रॉफिटेबिलिटी दे दे। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, तो इसको भी हमने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, तो मजा लीजिए जी। ये तो सिर्फ एक होली के उपलक्ष पे हम शायरी को जो इतनी अच्छी अच्छी शायरी है उनका हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, हम उस शायरी को कन्वर्ट करें बिजनेस से। इसी से रिलेटेड मेरे को एक और शायरी याद है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आज देखिए, आज हम कुछ काम करना चाहते हैं, आज के समय में आज हम कुछ नया बिजनेस शुरू करते हैं तो जग कहता है कैसे करोगे, क्या करोगे, लेकिन ये शायरी मैंने तभी बोली है कि कोई भी काम करने से पीछे ना हटे, आपके ऊपर चाहे जग हंस रहा हंसे, आप ही इतिहास रच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए इस उपलक्ष्य पे एक और चीज बताइए, जब जब आपकी शादी हुई तो जो जिनसे आपकी शादी हुई क्या उन पे भी आपने कुछ शायरी फिर लिखी? एक्चुअल हमको उनकी में उनकी चेहरे पे वो झलक दिखी आशा पारिक की। अच्छा, तो क्योंकि आशा पारिक दिखी तो आपने शादी कर ली। दोस्तों ये प्लीज पहुंचाइए वायरल करके आशा पारिक जी तक, ताकि उनको पता चले कि उस समय के जो लोग थे उनको देख करके उन्होंने अपनी पत्नियों से शादी करी है, क्योंकि उनकी जो मासूमियत थी अच्छा, वो बड़ी हमको पसंद थी, मासूमियत की पसंद थी, और उनके जितने भी पिक्चर आए सब गोल्डन जुबली हुए उस समय। इस पे एक और शायरी हो जाए, एक और शायरी बोलिए जिसको बिन देखे या बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान मोहब्बत इसको कहते हैं, बिन देखे या बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान मोहब्बत इसको कहते हैं, बिन देखे बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान। ये फिर मैं कहूंगा दोस्तों, ये ओथ लेने का टाइम है अपनी कंपनी की तरफ, कि कंपनी में कोई नया जब आदमी ज्वाइन कर रहा है उसको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, वो कमिटेड हो जाता है कि मेरे को यहां पे सक्सेस करना है, तो इसका मतलब ये हुआ बिन देखे बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, इसी को मोहब्बत, मोहब्बत मतलब इसी को कहते हैं कि आप कंपनी से कितने रिलेटेड हैं, आंख बंद करके आप कंपनी के प्रोग्रेस में लग जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, शायरी कोई भी शायरी हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे वतन के लिए हो, चाहे आप बिजनेस शायरी आज आप लिखना चाहे, हर शायरी को आप बिजनेस में एज अ मोटिवेशन, एज अ उसको ले सकते हैं, और एक जिंदगी अलग ही रूप पे जाएगी, और आप देखेंगे आप मजा ले रहे हैं एक शायरी के साथ साथ, आप बिजनेस में मोटिवेशन का मजा ले रहे हैं। आप हमारे जाते जाते जो हमारे यंग दर्शक हैं, हमारे काफी यंग दर्शक भी हैं, बड़े भी हैं सब, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने मन में क्या रखे, क्या जज्बा रखे? हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब आप शाम को अपने थके थकाए और बिजनेस से घर लौटे तो कम से कम आप ऐसे फेस बना के पहुंचे कि आपकी जब आपकी घरवाली आपका गेट खोले तो उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है और आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है। उसी पे फिर आप मेरे को अपनी वाइफ के बारे में उसी समय एक शेर याद आया था कि रात को जब तुम नहीं होती सितारों से बात होती है, रात को जब तुम नहीं होती सितारों से बात होती है, और खुदा की कसम सच कहता हूँ तुम्हारी ही बात होती है। वाह वाह, बीबी इतना खुश हो जाती है कि वाह, 2 सब्जी की जगह 4 सब्जी खिलाती है हमको। दोस्तों ये ध्यान रखिए, घर में सुख शांति के लिए शेर बनाइए, उनको खुश करिए, और उसी का जो आपको मोटिवेशन और जो ताकत आएगी उससे आप अगले दिन जब अपने काम पे पहुंचेंगे आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो जाते जाते ये कहना चाहूंगा, ज्यादा सोचने से बेहतर है कुछ काम करके दिखाइए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस चैनल पे आने का। दीपक जी, एक जाते जाते मैं एक शायरी प्यार की सुनाना। हाँ, एक प्यार की शायरी और हो जाए जाते जाते, बताइए। यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, और प्यार करने का अंजाम बुरा होता है। इंसान लाख संभलने पे भी गिरता है जरूर, और झुक कर जो उठा देता है वो खुदा होता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आने वाले समय पे जब भी हमारे को एक मन होगा शायरी सुनने का और करने का, तो हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, आज आप समझिए, अगर हमने इस होली के उपलक्ष्य पे एक हमने एक जुगलबंदी बनाने की कोशिश करी, हमने सोचा कि कुछ एक अलग, आज हमारा चैनल सीरियस बिजनेस की बात करता है, मैं कहा उससे हट करके शायरी का जुगलबंदी बनाया जाए बिजनेस के साथ, और मोटिवेशन बीच में लाया जाए, तो शायद हम उसमें, अगर हम आपको लग रहा है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और ताकि आप आगे कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, बहुत बहुत होली का होली मुबारक आपको, आपको आपके परिवार के साथ इंजॉय करके आपने मनाई होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अगली बार के लिए, थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।